दोस्तों नमस्कार, यू आर वेलकम टू माय चैनल। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रकाश से संबंधित चैप्टर से लिया गया है, जिसे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ने के पश्चात आपको इसमें पढ़ना है। तो पहले आपको जानना ज़रूरी है कि प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों पर दृश्य संवेदना उत्पन्न करता है और इसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोतों द्वारा प्राप्त होता है, जैसे सूर्य, तारे, कृत्रिम स्रोत, मोमबत्ती, बल्ब आदि से हम प्रकाश को प्राप्त करते हैं, प्रकाश हमें मिलता है। और प्रकाश का गुण क्या है, आप जानते हैं कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, प्रकाश को हम देख नहीं सकते हैं, किंतु प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, इसके लिए माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। और आप प्रतिबिंब के बारे में भी जानते हैं कि प्रतिबिंब क्या है, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है तो उस वस्तु से दूसरे बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनता है, जो वस्तु दिखाई पड़ती है, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रकाश के बारे में आप अपवर्तन के बारे में पढ़ चुके हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में और वो भी पारदर्शी माध्यम में गमन करता है तो प्रकाश की किरण अपने रास्ते से विचलित हो जाती है और इस विचलन को ही कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। तो आज दोस्तों हम लोग इन सब के बारे में, आप लोग बहुत पढ़ चुके हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे क्रांतिक कोण क्या है। तो क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे क्रांतिक कोण क्या है, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। तो क्रांतिक कोण की परिभाषा इस तरह से हो जाएगी कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से 90° के कोण पर गुजरती है तो उसके द्वारा बने आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण को सी से प्रदर्शित किया जाता है, इसको हम चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। ये सघन माध्यम है और विरल माध्यम है और ये देख रहे हैं पृथक्करण तल है, यहाँ पर देख रहे हैं आपतित किरण ये है। तो आपतित किरण जब सघन माध्यम से होकर के विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह देख रहे हैं यह अपने रास्ते से विचलित हो जा रही है। यहाँ पर देखिए आई ये है और आर ए है। तो आप इसको स्नेल के नियम से जानते भी हैं कि अपवर्तनांक बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर होता है। अपवर्तनांक आप जानते हैं कि साइन आई बटे साइन आर होता है। यहाँ पर देख रहे हैं इसे किरण को सीधे इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन किरण इस तरह से न जा करके वह अपने रास्ते से विचलित हो जा रही है और इसी विचलन को कहा जाता है अपवर्तन। तो अब इस चित्र के माध्यम से हम क्रांतिक कोण के बारे में समझेंगे। देख रहे हैं यह आपतित किरण है, आपतित किरण देख रहे हैं यह आई, यहाँ पर आई कोण बनेगा और यह जब देख रहे हैं यहाँ पर 90° के कोण पर अपवर्तित हो रही है। तो जब 90° पर अपवर्तित होगा तो यहाँ पर आर का मान हो जाएगा 90°। तो इस तरह से आई बराबर सी होगा। तो यही जो आई कोण बनेगा, जो इसका आपतित कोण बनेगा, जो आपतित कोण बन रहा है सी है और इसी को कहेंगे क्रांतिक कोण है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तन के नियमों के अनुसार सघन माध्यम में ही वापस लौट आता है तो इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जैसे कांच में पड़ी दरारों का चमकना, हीरे में चमकदार दिखाई पड़ना, हीरे का चमकदार दिखाई पड़ना, जल में पड़ी परख नली का चमकना, ग्रीष्मकाल और शीतकाल की मरीचिका, इन सब के बारे में आप जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं। तो आप पूर्ण इस चित्र में देख रहे हैं कि विरल माध्यम है और सघन माध्यम है,
तो सघन माध्यम में प्रकाश की किरण इस तरह से आपतित हो रही है और आपतित होने के बाद पुनः इसी इसी माध्यम में यह अपवर्तित हो जा रही है। तो इसे यह देख रहे हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश नहीं की है, तो इसलिए ऐसे कोण को हम कहते हैं, इसे कहेंगे कि यह जो है यह परिवर्तन जो है यह परावर्तन जो हो रहा है इसको हम कहेंगे पूर्णांतरिक परावर्तन। इसमें देख रहे हैं कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम में आकर के और सघन माध्यम में है ये परावर्तित हो जा रही है, तो इसलिए यह जो होगा यह कोण और यह कोण होगा इसको हम कहेंगे ये इसका कोण है ये आपतित कोण है और यह अपवर्तित कोण है, लेकिन यहाँ पर यह परावर्तित कोण है क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि दो माध्यम हैं, दोनों माध्यमों में एक सघन माध्यम है और एक विरल माध्यम है, तो यह किरण देख रहे हैं सघन माध्यम में से विरल माध्यम में नहीं जा रही है, केवल वह सघन माध्यम में ही परावर्तित हो रही है। तो यहाँ पर यह जो है यह पूरा यह देख रहे हैं कि यह अपवर्तन के नियम का पालन नहीं कर रहा है, तो जब इस तरह का होता है तो इसको हम कहते हैं कि पूर्णांतरिक परावर्तन। आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण अपवर्तन के नियम का पालन नहीं करती, जब कोई प्रकाश की किरण अपवर्तन के नियम का पालन नहीं करती तो वह घटना होती है, उस घटना को हम कहते हैं पूर्णांतरिक परावर्तन। आपने पूर्णांतरिक परावर्तन के बारे में पढ़ा और पूर्णांतरिक परावर्तन में आपने देखा कि जैसे कि पूर्णांतरिक परावर्तन कहाँ होता है, जहाँ से आपको मरीचिका दिखाई पड़े या हीरे की चमक दिखाई पड़े या काले चमक दिखाई पड़े, तो इस तरह से आपने पढ़ लिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाशिक तंत्र क्या है। प्रकाशिक तंत्र किसे कहते हैं, यह भी पूर्णांतरिक घटना पर आधारित एक युक्ति है। इसकी सहायता से एक प्रकाश सिग्नल को बिना ऊर्जा ह्रास के प्रेषित किया जाता है। पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना पर ही ये आधारित है और पूर्णांतरिक परावर्तन जहाँ पर होता है वहाँ पर अपवर्तन नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रांतिक कोण तथा माध्यम के अपवर्तनांक यन में संबंध। यदि विरल माध्यम को ए से तथा सघन माध्यम को डब्ल्यू से प्रदर्शित करें तो स्नेल के नियम के अनुसार हम इसको इस तरह से सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। आप इस चित्र में देख रहे हैं कि ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है, यहाँ पर ये आपतित किरण है, आपतित किरण, और ये देख रहे हैं अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण 90° का है। तो इसको आपको अब दोनों के बीच में संबंध निकालना है, तो आप इसको इस तरह से संबंध निकाल सकते हैं। आप फिगर में देख रहे हैं कि यह जो है पृथक्करण तल है, इसको एक्स एक्स लिखा गया है, एक्स एक्स डैश, और यहाँ पर देख ले यह अभिलंब है और यहाँ से एक प्रकाश की किरण इस तरह से आपतित हो रही है और आपतित होने के बाद यह इस तरह से 90° के कोण पर अपवर्तित हो गई है। ये देख रहे हैं 90° का कोण है और यह देख रहे हैं यह आई है। तो आपने देखा कि इसमें 90° के कोण पर जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम के पृथक्करण तल से अपवर्तित हो रही है, तो यहाँ पर यह कोण 90° का बन रहा है, तो यहाँ पर यह आई हो रहा है, तो यही आई जो होगा यह सी के बराबर होगा। आपने अभी इसमें पढ़ा है, ये देख रहे हैं ये सी हो गया, सी के बराबर हो गया, तो इस तरह से ये 90° का कोण है, तो यहाँ पर ये जो क्रांति यही हो गया क्रांतिक कोण, इसी को कहा जाता है क्रांतिक कोण है, ये क्रांतिक कोण हो गया। तो क्रांतिक कोण को अब आपको अगर मान लिया गया कि यह जल है और यहाँ पर यह वायु है, तो इस तरह से यह सघन माध्यम हुआ और यह विरल माध्यम हुआ। तो देख रहे हैं प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश की है, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर यह किरण देख रहे हैं इस तरह से। अब यहाँ पर आई का मान, आई बराबर कितना हो गया,
तो आप लिख देंगे कि आई बराबर हो गया सी, और आर का मान कितना हो गया, आर का मान हो गया 90। अब स्नेल के नियम के अनुसार आप जानते हैं कि ए म्यू टू डब्लू बराबर कितना हो जाएगा, ए म्यू टू डब्लू बराबर हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर होगा। यहाँ पर ए म्यू टू डब्लू का अर्थ यह हुआ कि यह प्रकाश की किरण विरल माध्यम से होकर के सघन माध्यम में आ रही है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से होकर के विरल माध्यम में जा रही है, तो इसलिए यह इसका व्युत्क्रम होगा। तो आपको इनका संबंध निकालना है, तो आप कैसे संबंध निकालेंगे, तो पहले आप निकालेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे कि डब्लू डब्लू म्यू टू ये कितना हो जाएगा, तो डब्लू म्यू टू यहाँ पर देखिए हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये डब्लू म्यू टू ये कितना हो जाएगा, तो देख रहे हैं साइन आई, साइन आई के स्थान पर आपको लिखना है आई बराबर सी है, इसलिए हो जाएगा साइन सी, और देखिए आर कितना 90 है, तो हो जाएगा साइन 90 हो जाएगा, यहाँ पर आप साइन 90 लिख देंगे। इस तरह से जब इसको हल करेंगे कितना हो जाएंगे, ये देखिए हो गया डब्लू म्यू टू ए बराबर हो गया साइन सी, साइन सी और साइन 90 का मान, साइन 90 अंश का मान एक होता है, तो एक हो जाएगा। इस तरह से इसका मान आ गया कितना, ये हो गया डब्लू डब्लू म्यू टू ए बराबर साइन सी, ये साइन सी हो गया। लेकिन अगर आपको निकालना है ए डब्लू म्यू टू, ए डब्लू या ए म्यू टू एन, या आप इसको इस तरह ए म्यू टू डब्लू लिख दें आप, तो ए म्यू टू डब्लू का अर्थ क्या हुआ, ए डब्लू म्यू टू का अर्थ ये हुआ कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो आप जानते हैं तो कितना हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डब्लू म्यू टू, डब्लू म्यू टू ए हो जाएगा। इसको आप इस तरह से जब लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ लिखेंगे डब्लू म्यू टू ए बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अब हो जाएगा एक बटा साइन सी। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।